इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। मैंने अपने सभी चूहों को खोल दिया है घूमने के लिए, लेकिन ये घूम नहीं रहे हैं, बिल्कुल लेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जमीन में इनको ठंडक महसूस हो रही है, इसलिए लेटे हुए हैं। क्योंकि मौसम इस समय ऐसा है जो कि काफी तकलीफ देने वाला है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सभी की हालत खराब हो रही है, वो चाहे इंसान हो चाहे ये जानवर हो। वैसे भी वाइट रेड्स जो होते हैं इनको गर्मी ज्यादा लगती है। बाकी मैंने इनको खाने पीने के लिए इंतजाम किया हुआ है, चाहे खीरा हो गया हो, पानी हो गया हो, या वो सारी चीजें मैंने दे रखी है जिससे कि इनको तकलीफ कुछ ना हो। लेकिन फिर भी इतना कुछ देने के बावजूद भी मेरे दो चूहों की डेथ हो गई है एक दो दिन पहले, तो इस वजह से मुझे अब और ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है इनका। इसलिए मैं अब लगभग 2-3 घंटे पे इनको चेक करता रहता हूँ। इनके पिंजरे के पास में जाकर रात में देखता हूँ कि हाँ इनके लिए खाने के लिए कुछ है नहीं है, पानी है नहीं है, जो भी चीजों कमी बेसी पड़ती है वो मैं देता रहता हूँ। बाकी यहाँ जो टेम्परेचर चल रहा है वो लगभग 50 के आसपास पहुँच गया है, जिस कारण से हमारी तो हालत खराब हो ही रही है, इनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। इसलिए मैंने अपने रूम को थोड़ा धो दिया था आज, ताकि रूम थोड़ा और ठंडा हो जाए, और साथ ही साथ मैंने कपड़ा बिछा दिया है भीगा हुआ, ताकि इनको अगर दिक्कत हो तो आके इस कपड़े पे लेट जाएं, जिससे कि इनको थोड़ी ठंडक मिले। क्योंकि अगर इनके साथ मैं थोड़ी भी लापरवाही करूंगा तो इनका जान जाना पक्का है, ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, 2-3 दिन के अंदर सभी चूहों की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए सारी चीजें मैंने करके रखी हुई है इनके बचाव के लिए। बाकी मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। बाकी कोई सवाल आपके मन में है सफेद चूहे से रिलेटेड तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा।